को ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यस और नो, इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी नीचे जा रही हो, हमारी इंडियन इकोनॉमी नीचे जा रही हो, तब तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना भी बेवकूफ है। लेकिन अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो वो तो फ्लक्चुएट होगी सर। मेरा आपको मालूम है अगले महीने आपको सैलरी क्या मिलेगी, मुझे तो भी मालूम है अगले महीने प्रॉफिट क्या होगा, मुझे ये मालूम है कि अगले 10 साल बाद मैं आपसे ज्यादा कमाऊंगा, ये आप भी कह रहे हो मैं भी कह रहा हूँ। तो बस मुझे बिजनेस की तकलीफ ये है, उसको शॉर्ट टर्म का नहीं पता, उसको लॉन्ग टर्म का पता है। सैलरी वाले की तकलीफ ये शॉर्ट टर्म का पता है, लॉन्ग टर्म का पता है। तो मैं उसी पे आ गया, दैट डेट इन्वेस्टमेंट आर फॉर शॉर्ट टर्म एंड इक्विटी आर फॉर लॉन्ग। तो अब आप एसआईपी के माध्यम से जाते हैं तो उस रुपी का सैलरी में चल जाएंगे और आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। पर वो जो तकलीफ है इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट की, ये तो आपको सहन करनी होगी, क्योंकि अब आप किसके पार्टनर हो। एक कहावत है ना, इफ यू आर इन रोम बी लाइक अ रोमन, एक कहावत है, अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस के एंगल से ही सोचोगे ना। तो उस लिए वो बिजनेस के एंगल से सोचना जरूरी है कि बिजनेस चलता कैसे। बिजनेस में स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है, और बिजनेस में हालात में घुस भी नहीं सकता। तो आपको समझना है कि मैं किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, this is what I call it। तो आप technically investment mutual fund में आप कैसे कैसे कर सकते हो उस पर बारे में चर्चा करके मैं session को close करूँ नहीं है। Exactly, I will be doing the same thing now. That's what I'm trying to do, right? So there are ways of investing in mutual funds. Mutual fund में investment करने के कुछ तरीके होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, okay? मैं एक बैलेंस शीट बना देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ परचेज और इसको मैं कहता हूँ सेल। मैं किस किस तरीके से परचेज कर सकता हूँ और किस किस तरीके से म्यूचुअल फंड बेच सकता हूँ। पॉइंट नंबर वन, इसको मैं कहता हूँ लमसम। मेरे पास आप 1 लाख रुपए है और मैंने डाल दिए, तो मैंने क्या बोलूंगा, 1 साल कैसे लगाने को, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 साल एक मुश्त। और अगर मैं 1 साल विड्रॉ करता हूं उसको कहता हूं रिडम्पशन। रिडम्पशन 1 साल मैंने पैसे निकाल लिए, ठीक है। अगर मैं धीरे धीरे पैसे लगाऊ, हर महीने लगाऊ, तो इसको कहता हूं SIP। क्या कहा, हर महीने। अगर मैं धीरे धीरे पैसे निकालूं, इसको कहूंगा SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो कई पेंशन जब हम लोग रिटायर्ड होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब आते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं SWP के माध्यम से पेंशन लो, ठीक है ना। जो आप अपना पेंशन फंड बनाते हैं ना गवर्नमेंट में या जहां भी एम्प्लॉयड है, तो इफेक्टिवली आप क्या कर रहे हैं, आप हर महीने अपनी तनख्वाह का पैसा कट जाता है और आपके किसी पेंशन फंड में चले जाता है, पेंशन फंड बन जाता है बड़ा सा, और उसमें से आपको धीरे धीरे पेंशन मिलती रहती है। इट इज नथिंग बट SIP, धीरे धीरे पैसा लगा रहे हो और SWP धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हो। तीसरा होता है स्विच इन। आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में एंटर करते हो, मैंने कह दिया कि मुझे ये नहीं पीना ये पीना, तो मैं क्या करूंगा इसको इधर इधर ले लूंगा। तो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जब मैं जाता हूं तो पहली स्कीम को तो मैं परचेज कर रहा हूं, जिसमें मैं गया उसको तो मैं खरीद रहा हूं। तो मैंने कहा कि इसको खरीद लो, पर कैसे खरीदा, दूसरे को बेचकर, मतलब इसी को मैंने स्विच आउट किया, कहीं से तो निकला और कहीं में गया। एक स्कीम से निकलकर दूसरी स्कीम में जाने को स्विच आउट और स्विचिंग कहते हैं। तो उस स्कीम के लिए तो परचेज है और इस स्कीम के लिए सेल है, राइट। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर मैं हर महीने एक स्कीम से निकल के दूसरी स्कीम में जाता हूं, इसको कहता हूं STP in और STP out। व्हाट इज STP in एंड STP out? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। हर महीने में एक स्कीम से दूसरी स्कीम, और इसको क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, वो बहुत बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा कि पूरी प्रोफेशनल मैनेजर होती भी कुछ क्यों कर रहा है, पर आपके लिए टर्मिनोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई चीज क्या नहीं होगी। तो STP in
हर महीने किसी स्कीम में पैसे डालने को, कैसे किसी स्कीम से निकाल कर डालने को सिस्टमैटिक ट्रांसफर आउट है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है परचेज और डिडक्शन की, परचेज और डिडक्शन की। म्यूचुअल फंड आप दो तीन माध्यम से खरीद सकते हो, एक आप एडवाइजर के माध्यम से खरीद सकते हो, दूसरा आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाके खरीद सकते हो, तीसरा आप बैंक के थ्रू जाके खरीद सकते हो। ये कुछ कुछ माध्यम होते हैं म्यूचुअल फंड के खरीदने के। अब जो लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड बहुत तरह की स्कीम का होता है, बहुत तरह की स्कीम का होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में लिक्विड भी है, डेट भी है, गोल्ड इक्विटी भी है, म्यूचुअल फंड में गोल्ड भी है, म्यूचुअल फंड में आप बाहर के देशों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल फंड्स बोलते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स होते हैं, आर्बिट्रेज फंड होते हैं, और कई 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 तरह के कैटेगरी फंड होते हैं। मैं उस टेक्निकलिटी को भी उलझना नहीं चाहता, पर म्यूचुअल फंड में तकलीफ ये होती है कि आप जब म्यूचुअल फंड से समझते हो तो सबको एक बास्केट मान लेते हो, हमने मुझे म्यूचुअल फंड में डाला, राइट, ये करके वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया। म्यूचुअल फंड को समझना पड़ता है आपकी, अब मैं आपको कंपेरेबल फैक्टर बता रहा हूं कि कौन सी चीज से किसको कंपेयर करो। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द फारमोस्ट सिंपल एंड प्रोडक्ट दैट इट विल एक्चुअली रन ओवर योर टाइम, ठीक है ना। आज से 15-20 साल पहले घर में शादी होती थी तो घर की लेडीज या हम लोग खुद ही बर्तन बर्तन करते थे, सब कुछ काम होता था घर पे, या डेथ हो रही है बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं, घर भी करते थे, आज क्या करते हैं हम आउटसोर्स, क्यों हो गया आउटसोर्सिंग आसान है, सस्ती पड़ती है, इसको म्यूचुअल फंड एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको, इसको आप लिख लीजिएगा, प्लीज वर्क इट आउट, इस चीज पर लिख लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, और इसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल बना दिया आपकी लाइफ में। आप सेविंग बैंक में पैसा रखते हो, आप लिक्विड फंड में पैसा रखते हो, इट बी फार बेटर। आप आरडी चलाते हो बैंक में, बैंक में आरडी चलाते हो शॉर्ट टर्म के लिए, आप एसआईपी चलाओ शॉर्ट टर्म फंड, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। आपने अगर एक साल की यहां आरडी चलाई है उससे कई ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है ना। एसआईपी, एसआईपी क्या है, आरडी है, आप आरडी को एफडी की जगह, आरडी को आपने अगर शॉर्ट टर्म फंड मिला तो आपको रिटर्न ज्यादा है, आप एफडी कराते हो तो यहां पे आते हैं डेट फंड्स, दे नॉट ओनली गिव यू फ्यू परसेंटेज पॉइंट ज्यादा रिटर्न, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी टैक्स फ्रेंडली। एफडी में आपने 5 लाख की एफडी कराई, विड्रॉ करना हो तो 5 लाख को तोड़ोगे, म्यूचुअल फंड में आपने 5 लाख डाले आपको 500 रुपए चाहिए, 500 रुपए, 1000 से 1000 में 5 लाख चाहिए, 5 लाख में आप बोलते नहीं मैं केवल अपना इंटरेस्ट पोर्शन दे दो मुझे बाकी रहते हो वो सब हो जाएगा, मतलब जो जिस कॉम्बिनेशन से आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद हम गोल्ड में डालते हैं, यहाँ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, आप रियल एस्टेट में लगाते हो, इसके कंपैरिजन में आप इक्विटी में, इक्विटी जो है रियल एस्टेट से आप अपना नजर डालते हो, इक्विटी जो है रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा डालते हो। अब अगर इसका ये बात भी शायद कई लोग ना माने कि ऐसा नहीं होगा कि आप शेयर मार्केट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में दे सकता है, हाँ या ना, दे सकता है, देता है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। इंडिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, हमारी, उसके बाद टाटा बिरला और सन फार्मा के कोई और हैं, ठीक
ठीक है ना, तो अंबानी के पास कितनी जमीन है जयपुर दिल्ली में या जिस शहर में आप रहते हैं, चेन्नई में पता है, पर अंबानी का बिजनेस है। अब अगर अंबानी को ठेठ गुजराती पाड़ी है उसको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई तू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तेरा धर्म नहीं मिल रहा, तो वो क्या करने यहाँ बैठा है ऐसे ना, तो भाई उसको किस कुत्ते ने काटा है कि वो जमीन में डाल रहा है, उसको किसी काले कुत्ते ने काट दिया, वो पागल पला गया, पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा, वो पला रहते कुत्ते काटते हैं, तो क्योंकि उस कुत्ते ने काट दिया कि भाई साहब आपको बिजनेस डाल दो क्योंकि वो पैसे कमाने आया है, तो काम क्या करता है वो किराए पे जमीन खरीदता है, जमीन लेता है, उस पर रिलायंस फ्रेश स्टोर लगा देता है और सब्जियां बेचता है, ये सुनो वो बिजनेस से पैसा लगा है। तो आप जितने दुनिया के 10 15 25 अमीर लोग को जानते हो वो क्यों नहीं रहे बिजनेस, वो जानते हैं कि बिजनेस जो है वो मदर ऑफ वेल्थ है, पर हम अभागे ये समझते हैं कि रियल एस्टेट है, क्योंकि हम सेठ उसी से बनते हैं, हम सेठों वाली फीलिंग कैसे रहेंगे जब तक ये ना हो मान लो चार दोस्त बैठे रहे है ना कि हमारा वहां पे बॉम्बे में भी अपनी फ्लैट बुक करा दिए और हमारा ऐसे यहाँ भी है हम वहाँ पे भी है, तो जब तक मैं दो चार बातें ना बोलूँ किसी को तो मेरे को कलेजे में ठंडक नहीं पड़ता, ये सब ना मैं किसी को ये बोलूँ कि मैंने जिस तरह के शेयर लड़के हजार आगे लेते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, ठीक है ना, तो वो अगर रियल एस्टेट से अगर तो कंपेरिजन बताऊँ आपके अगर मुझे मौका मिलेगा क्योंकि रियल एस्टेट से अगर तो रिटर्न आपके कैसे आते हैं किसे दवा क्या पीपल हु आर बिजनेस मैन मेक आउट ऑफ, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक लाइक अ बिजनेस द वे यू कैन एक्ट विद योर स्मॉलेस्ट ऑफ मनी इज डूइंग दैट एसआईपी, नॉट लिंक योर एसआईपी विद योर फाइनेंशियल गोल्स, बच्चे के लिए एसआईपी करो बच्चा छोटा है, अपने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी करो रिटायरमेंट प्लानिंग करो, ट्रैवल करना है मुझे ऑस्ट्रेलिया में ट्रिप करना है मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने की एसआईपी, मुझे एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है मैं उसके लिए कैसे भी चला रहा हूँ, मुझे ये करना है उसके लिए क्योंकि हर महीने करना ही है मैं कर सकता हूँ, मेरे को ये बोले कि आशीष जब आप 50,000 रुपये ले रहे हैं या 10,000 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं मौका भी नहीं है मेरे पैसे है ही नहीं, और मैं मुझे मुझे बोले आशीष 10,000 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं अगले 5 साल के अंदर मैं सोच सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ मैं हर महीने जुगत करता हूँ हर महीने कोशिश करता हूँ हर महीने कोशिश करता हूँ और उससे धीरे 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 करते करते कितने पैसे मिल जाते हैं तो मुझे So we'll talk about it, I think, so anyone has a question, you can ask me about mutual funds. Later on, I will take another session, after an hour or so. When the book-up session comes? 2:15. 2:15? Oh, 2:15, we have decent time, later on that. Koi mutual fund link, koi question ho, toh baat hai. Uske baad, jo next session hoga, wo kuch aisa hoga, toh aapke aap hi bolenge. This question of yours, I will answer in the next session, okay? So, what to wo next session ka hissa hoga, it is a very valid question. But, again, there are certain precautions you got to take. They say, what ki, gaadi chalana bahut aasan hai, sabhi chalate hain, scooter chalate hain, cycle chalate hain, kuch precautions hote hain, kuch chalate hain. We'll talk about that. So, I would hold myself, sorry, hold myself in that question, because it's part of my next session. In Hindi, aap hai. Debt fund, liquid fund taxable hai. हाँ ओके तो डेट फंड और लिक्विड फंड टैक्सेबल है, लेकिन दोनों टैक्सेबल होते हैं, ठीक है ना, टैक्सेबल दोनों है, लिक्विड फंड भी है डेट फंड भी है, अमूमन मैं लिक्विड फंड को रखता हूँ महीने दो महीने दो चार पांच दिन लिक्विड इमरजेंसी फंड के हिसाब से, ठीक है, उस पर वही टैक्स लाइबिलिटी आती है जिस टैक्स लाइबिलिटी पर आप खड़े हो, अगर आप बोलते हो मैं 30% टैक्स पे करता हूँ तो आप 30% टैक्स वहां भी पे करोगे, तो सेविंग बैंक में भी आप इंटरेस्ट अमाउंट उसको 30% देते हो, बैंक की एफडी में जो अमाउंट है उसको 30% टैक्स देते हो, लिक्विड फंड के रिटर्न पे भी जो आप कमाओगे उस पर 30% टैक्स हो, टैक्स फ्री नहीं होता वो लिक्विड फंड, जो चीज टैक्स फ्री होती है वो
वो होता है इक्विटी फंड, वो होता है इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कट जाता है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स भी जोर में डाल रखा है, ठीक है ना। बट लिक्विड फंड एंड डेट फंड आर इफेक्टिवली टैक्सेबल, टैक्सेबल टू द ट्यून द वे यू पे टैक्स। बट डेट फंड, लिक्विड फंड तो करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, महीने दो महीने छह महीने इमरजेंसी के हिसाब से। डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जनरली तीन चार पाँच साल के लिए, तीन से पाँच साल के माध्यम से मैं डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो डेट फंड का इन्वेस्टमेंट इंडेक्सेशन पे चलता है, उसकी जो टैक्सेशन लाइबिलिटी होती है उसकी इंडेक्सेशन होती है। इंडेक्सेशन का होता है, आपने अगर कभी देखा होगा कि 1980 के ये भाव थे और इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन होती है कि 2011 में ये इंडेक्स है, इनकम टैक्स हर साल एक इंडेक्सेशन निकालता है, सीबीडीटी होती है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, वो हर साल इंडेक्सेशन नोटिफाई करके डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन। तो इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता है, मैं टेक्निकल तो रहूंगा, बट डबल टैक्स डबल डबल इंडेक्सेशन ट्रिपल इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है ऑन डेट फंड। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप डेट फंड्स को तीन साल के बाद रखते हैं तो आपकी टैक्स लाइफ भी 5-10% से नीचे है। अब इवन इफ 30% टैक्स पे ही आपकी टैक्स लाइफ भी 10% से नीचे आ जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि आपकी 10% की टैक्स लाइफ की होती है डेट फंड में तीन साल बाद। मतलब वो कैलकुलेशन क्या होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से किया जाता है, बट इट इज नॉट टैक्स फ्री। इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसे बैलेंस फंड कहते हैं, उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटता है। तो जिस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटता है वो वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज में कट जाता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है, उस पे आपके हाथ में जो पैसा आता है वो टैक्स फ्री आता है, उस पे टैक्स नहीं लगता। इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे आप ये मान लीजिए टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, उस पे टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर पास्ट?
इन्हीं क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होते हैं तो सबको समझ गया, कुछ समझ भी नहीं आया, दोनों में क्वेश्चन होते हैं। ईएलएसएस क्या होता है मैडम? नोट्स वो पीछे पढ़ने में लिखा है। हाँ तो ईएलएसएस क्या होता है? इक्विटी इक्विटी लेस नहीं मैडम, इक्विटी तो मोर होता है उसमें, लिंक्ड सेविंग्स की तो क्या काम आती है? टैक्स बेनिफिट्स। उस ईएलएसएस में आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने 5000 रुपए डाल दिए, साल के 60000 रुपए इकट्ठे हो गए और आपने हर महीने पैसे जुड़ भी गए और टैक्स सेविंग भी हो गई, तो आपने कर दिया। अब उस टैक्स सेविंग को अपने बच्चे के गोल से जोड़ो, मेरे बच्चे की होगी तो गोल ओरिएंटेड टैक्स सेविंग हो, हर महीने पैसे जुड़ना भी आपका पर्पस सॉल्व हो गया, टैक्स सेविंग भी पर्पस सॉल्व हो गया और बच्चे के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए किसी और के लिए जुड़ना भी सॉल्व हो गया। यू आर लिंकिंग ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज। इसी तरह एसआईपी लिक्विड फंड में कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूंगी कि मैम आपको 3 लाख रुपए अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, 3 लाख रुपए। अब फिर 3 लाख रुपए कैसे आएंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो हर महीने 5-5, 10-10 हज़ार रुपए आपने लिक्विड फंड में डालना शुरू कर दिया, तो एक इमरजेंसी फंड बना लिया आपने, तो लिक्विड फंड में एसआईपी कर दी। एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि मुझे इक्विटी में जाना है, एसआईपी का मतलब ये है कि मुझे अपने गोल को धीरे धीरे अचीव करना है। तो आप लिक्विड में भी एसआईपी कर सकते हो, आप डेट में भी एसआईपी कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो इक्विटी में एसआईपी कर सकते हो।